फर्स्ट टाइप ऑफ को टेस्ट जो हम बात करेंगे दैट इज गुडनेस ऑफ फिट गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि हमारे पास एक सैम्पल हमने ड्रॉ किया और उसमें फ्रिक्वेंसीज आ गई डिफरेंट कैटेगरीज एंड देन वी विल टेस्ट कि हाउ वेल दोज फ्रिक्वेंसीज कर और फिट टू द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जिससे हमने वो ऑप्टेन की है देश डिटर्मिन हाउ वेल द ऑपटेन सैम्पल प्रोपोर्शन फिट द पॉपलेन प्रपोर्शन स्पेसिफाइड बाई द नालास सो so, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नल हाइपोथसिस स्पेसिफाइज द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ द पापुलेशन इन ई कैटेगरी फर्स्ट करें uh, मेरे पास स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की फ्रीकुनसिज हैं टू सेल्स हैं और फ़र्स्ट uh, करें उसमें मेल uh, फीमेल एक वेरिएबल है और एक स्मोकर नॉन स्मोकर है तो नल हाइपोथसिस फर्स्ट कहें स्टेट करता है कि नो प्रेफ्रेंस हाइपोथसिस यानी फ्रीकुनस विल बी एक इन बोथ और ऑल द कैटगरीज सो हम जम्सन पहले बनाते हैं हाइपोथसिस के अंदर कि नल हाइपोथिस के अंदर हम एक पॉपुलेशन प्रपोर्शन प्रपोज करते हैं या सजेस्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी जो कैटेगरीज में फ्रिक्वेंसीज uh, आ रही हैं इज़ देट डिफरेंट फ्राम द पॉपुलेशन हाइपोथिस या फिर नल हाइपोथिस से फॉर एग्जाम्पल हाइपोथस माइड स्टेट दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल लायर्स आर मैन एंड फिफ्टी परसेंट आर वुमेन सो so, हाइपोथेसिस में दो तरह के हमारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं का स्कोर में एक तो कहते हैं नो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस एक हम कहते हैं नो डिफरेंस हाइपोथेसिस नो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपकी इक्वल फ्रीक्वेंसीज होंगी फॉर ईच कैटेगरी सो वी विल स्टार्ट जिस हम नल हाइपोथिस टी और जी में करते थे कि देर इज नो डिफरेंस यहाँ पे हम करते हैं कि द फ्रीक्वेंसीज विल बी इक्वल इन ऑल द कैटेगरीज और उसके अगेंस्ट अगर हमारा नो no डिफरेंस है तो उसके अंदर नॉट नेसेसरिली uh, वो इक्वल फ्रीक्वेंसीज हर कैटेगरी में आए बल्कि हम नो no डिफरेंस का मतलब है कि हम कहते हैं कि सैम्पल प्रोपोर्शन इन द कैटेगरीज इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज़ सजेस्टेड इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मसलन ऑलरेडी फ़र्स करें कि हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में नाला हैपोसिज है कि थर्टी परसेंट मेल होंगे या फिर थर्टी परसेंट हमारे Uh, जो लॉयर्स हैं वो फीमेल्स होंगी और सेवेंटी परसेंट मेल्स होंगे तो फिर हम नो no डिफरेंस का मतलब है कि हम थर्टी और सेवेंटी के नल हाइपोथिस को ही टेस्ट करेंगे अपने हाइपोथसिस के अंदर जनरली नल स्टेट हाइपोथसिसर इज नो प्रेफरेंस अमंग द डिफरेंट कैटेगरीज जैसे मैंने बताया है कि हमारी फ्रिक्वेंसिस इक्वल होंगी इन द कैटेगरीज और अल्टरनेटिव हाइपोथिस हमारा कहेगा कि दैट पॉपुलेशन इज नॉट डिवाइडेड इक्वली बिल्कुल उसी तरह जैसा हम पैरामेट्रिक में नल हाइपोथिस और अल्टरनेटिव बनाते थे इसी तरह हम नॉन पैरामेट्रिक में भी काय स्क्वायर में भी हम बनाएंगे कि नल में कैटेगरीज आर इक्वली डिवाइडेड और अल्टरनेटिव में हम कहेंगे कि दे आर नॉट द डेटा फॉर काय स्क्वायर टेस्ट इज वेरी सिंपल देर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट अ सैम्पल मीन और स्टैंडर्ड एवियेन वी जस्ट सेलेक्ट अ सैम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल्स एंड काउंट हाउ मैनी फॉल इन ईच ऑफ द कैटेगरी द रिजल्टिंग वैल्यूज आर कॉल्ड ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसिस स्क्वायर के अंदर हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं ऑब्जर्व uh, फ्रीक्वेंसीज तो वो जो हमारे डेटा के अंदर आती हैं जो हम एक्चुअल डेटा कलेक्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड का मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड है कि वो हमने इक्वल का किया हुआ है या फिर सर्टन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के साथ हमने किया हुआ है इन जनरल गोल ऑफ का स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट इज कंपेयर द डेटा ऑब्जर्व फ्रिकुंसिस विद द नल हाइपोथिस या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ द प्रॉब्लम इज टू डिटर्मिन हाउ वेल द डेटा फिट द डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड इन नल हाइपोथिस इज द नेम गु इट तो हम उसमें टेस्ट क्या करते हैं कि हमारा ऑब्जर्व डेटा हाउ वेल इट फिट्स टू द एक्सपेक्टेड डेटा और द डेटा दैट वी पोज इन नल हाइपोथसिस दैट्स वाई इट्स कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट दैट हाउ वेल द ऑब्जर्व डेटा फिट द नल हाइपोथिस डेटा Uh, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है जैसा कि फोर्टी इसके अंदर कॉलेज uh, स्टूडेंट्स का डेटा है uh, जिसमें कि उनका एक्सरसाइज का हमने पूछा है कि कितनी एक्सरसाइज करते हैं सो नाउ यू लुक एट दिस फिफ्टीन नाइनटीन एंड सिक्स नंबर ये फिफ्टीन नाइनटीन और सिक्स जो है दे आर फ्रीक्वेंसीज लाइक देर आर फिफ्टीन पीपल हु सेट के दे डू नॉट एक्सरसाइज देर नाइनटीन पीपल हु सेट अ वीक करते हैं एंड देन दे आर सिक्स पीपल Who said that they exercise more than once in a week? So, students are classified into three categories based on the number of times they report exercising each week. Or what is hypothetical? Kya rahe hai humara? Jo humara null hypothesis? Hai, hypothetical sample that represents how the sample distribution would look if it were the perfect agreement with the proportion. स्टेटेड इन द नाल हाइपोथसिस सो नाल हाइपोथोसिस क्या कह रहा है कि कैटेगरी ए में पच्चीस परसेंट लोग होने चाहिए सो so, मेजोरिटी ऐसी होगी जो कि वनस अ वीक एक्सरसाइज करती है फिफ्टी परसेंट लोग होने चाहिए और कैटेगरी सी में ट्वेंटी फाइव परसेंट सो दिस इज अ प्रोपोर्शन दैट सजेस्टेड इन द न हाइपोथसिस जिसको हम कहते हैं नो डिफरेंस हाइपोथसिस हम कहेंगे यानी हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमारे ऑब्जर्व डेटा में भी इसी तरह का प्रोपोर्शन है या फिर नहीं है द हाउ वेल द ऑब्जर्व डेटा फिट टू दिस हाइपोथेटिकल नल हाइपोथेसिस डेटा जो यहाँ पे हमने प्रपोज किया है अच्छा अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इसमें हमने निकालनी होती हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फॉर ईच कैटेगरी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई द दैंपल साइज बाय द प्रोपोर्शन फॉर द परसेंटेज फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस जैसा कि फर्स्ट करें हमने अब उन्होंने नल हाइपोथिस में कहा है कि 25 परसेंट हमारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते होंगे और 25 परसेंट ही कैटेगरी सी में होंगे जो कि मोर देन वंस या रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे और और हमारे इधर 50 परसेंट आएगा 50 परसेंट ऐसे होंगे जो कि हमारे रेगुलर वंस अ वीक करते होंगे सो so अब हमने अगर इनका निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी तो हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला क्या है कि हम परसेंटेज जो हमारी नाला हाइपोथेसिस में दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एन साइज से सो so, हमारा सैंपल साइज 40 है पहली कैटेगरी में हमारा 25 परसेंट है तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी 10 आ जाएगी राइट right? सो so, इस तरह से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं और फिर हमारी जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाए और हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ जाए वी कैन प्लग इन द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट एग्जैक्टली द का स्क्वेयर वैल्यू जैसा कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट में भी एफ या टी की वैल्यू निकालते हैं सो so, सिंपल हमारा एफ ई और एफ ओ हम यूज करते हैं और एफ ई निकालने के लिए परसेंटेज जो नो डिफ्रेंस हाइपोथिस में दी होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एन के साथ अब हम मैनुअली कैलकुलेट uh, करेंगे का स्क्वेयर की वैल्यू और हम देखेंगे कि वॉट डू वी मीन बाय Expected and observed, and how we put them in the formula and calculate.